हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा लेक्चर होगा हिंदी का। हिंदी का एक लेक्चर पहले भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा। मतलब संज्ञा भी आपका पुल्लिंग है, अब संज्ञा का क्या बना दो, स्त्रीलिंग बना दो, तो जो विशेषण है काला वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, काले, काला, कालो या फिर काली में। तो आपका काला किसमें परिवर्तित हो जाएगा, काली में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण बताना है आपको। सब कोई कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर संयुक्त सर्वनाम है। तो ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है, सब कोई क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में आप भला तो जग भला, आप भले तो जग भला, या भला हो गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। रेखांकित आपका आप है जो आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको रेखांकित किया गया है। तो इसमें बताना है आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये जो हमारे लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको डिटेल थ्योरी का वीडियो चाहिए तो आप हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें आपको सारे वीडियो डिटेल में मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ आपको वहां पे ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको ट्रिक्स के साथ डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना है विशेषण कौन सा है। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम कौन है, अर्चना। अर्चना क्या है, आपकी संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। तो सुंदर क्या है, अर्चना की विशेषता को बताता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुंदर, यानी विशेषण कौन है, सुंदर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पे आपको बता दिया कि सिंदूरी जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, कश्मीरी सेब की विशेषता बता रहा है कि कश्मीरी सेब जो है वो सिंदूरी लाल है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो सिंदूरी है, ये सिंदूरी कौन से प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, प्रविशेषण है या फिर सार्वनामिक है। तो देखो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि कश्मीरी सेब लाल है, लाल क्या हो जाएगा, विशेषण। अब कैसा लाल है, तो सिंदूरी लाल है। तो ये क्या बता रहा है, ये जो सिंदूरी है वो लाल की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। यानी एक काम को खत्म करते ही दूसरा काम करने लग गया अगर कोई करता है आपका, तो जो पहली क्रिया है उसे आप क्या कहेंगे, सहायक क्रिया कहेंगे, नाम बोधक क्रिया कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे या फिर भूतकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसे आप पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पूर्व में जो क्रिया हो गई उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई विशेषण का कौन सा प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, मूलावस्था है या फिर उत्तरावस्था है। तो देखो यहाँ पे कोई शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई शब्द सार्वनामिक, देखो ऐसे सार्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी उस विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। ठीक है, उनको आप सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कोई बालक, इसमें कोई जो है वो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। मेरी पुस्तक, तो मेरी क्या हो गया, विशेषण। या पुस्तक आपकी संज्ञा है, संज्ञा और उसके पहले मेरी लग गया है, मेरी क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो गया। लेकिन ये बता रहे कि पुस्तक किसकी है, मेरी है, तो पुस्तक की विशेषता बता दिया, तो मेरी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो बहुत ही आसान, ये पांच प्रकार के शब्दों से बनती है, ठीक है? अच्छा, अब देखो, जातिवाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का का लड़कपन, आपने कैसे बना दिया, बूढ़ा को बुढ़ापा, मतलब उसमें आपने पा जोड़ा, लड़का को आपने लड़कपन कर दिया, यानी पन जोड़ के जातिवाचक संज्ञा बना दिया, ठीक है? अब दूसरे विशेषण से बनेगी, जैसे गर्म का गर्मी, सर्द का सर्दी, मीठा का मिठास, तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया विशेषण से। तीसरा तरीका होता है क्रिया से, जैसे घबराना, घबराना से आप बना सकते हैं क्या, घबराहट, सजाना, सजाना से आप बना सकते हैं क्या, सजावट। चौथा प्रकार होता है सर्वनाम से, सर्वनाम से भी आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं कैसे, जैसे अपना है तो अपना को आप क्या बना सकते हैं, अपनापन, ममता है, मम से आप बना सकते हैं क्या, ममता, ठीक है? अगला आता है अव्यय से, अव्यय से भी बन सकती है, जैसे दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, शाबाश से शाबासी, तो इस तरीके से आप पांच प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, ठीक है? यानी आपको बताना है कि पुरुष, ये पहले आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें से रेखांकित शब्द कौन सा है, तो ये जो वह है ये आपका रेखांकित शब्द है, तो आपको बताना है जो वह है ये वह कौन सा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है, या तो फिर उत्तम पुरुष है, तो ये वह आपका अन्य पुरुषवाचक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अभी आपने देखा भाववाचक संज्ञा, तो देखो मनाही, विद्वता, सोना या फिर खुशी, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें जो सोना आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, सोना यानी कि गोल्ड, तो ये भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं है। अगला क्या है, 11, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? ऐसे कौन सा प्रकार का विशेषण होता है जिसमें दो चीजों या प्राणियों की तुलना की जाती है और उनके गुण दोष बताए जाते हैं या उनकी विशेषता की तुलना करी जाती है? मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा उत्तरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये तो बहुत आसान है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, उठना, उड़ना, दिलाना या फिर चलना? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी, दिलाना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आपको बताना है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो देखो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से, पहला होता है आपका पुरुषवाचक, दूसरा क्या होता है निश्चयवाचक, तीसरा क्या होता है निजवाचक, चौथा क्या होता है अनिश्चयवाचक, फिर आता है आपका संबंधवाचक, उसके बाद आता है क्या प्रश्नवाचक, तो कुल मिला के कितने हो गए, 6। तो संज्ञा के 6 भेद होते, सॉरी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, राम सो रहा है, इस वाक्य में आपको बताना है कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर द्विकर्मक क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में आपको बताना है संबंधवाचक शब्द कौन सा है, सेनाएं है, युद्ध क्षेत्र है, आगे है या फिर बढ़ी है? तो इसमें जो आगे है ये क्या है, संबंधवाचक शब्द है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो इसमें और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। अगला देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं,
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी धातु करेक्ट है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को आप समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मैं वहां होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं मैं अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शंस देखो, मैं वहां होकर या फिर हूं। तो इसमें आपका वहां वहां क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20। उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इस वाक्य में अव्यय शब्द हो जाएगा भर। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में अव्यय है, इनमें से अव्यय कौन सा है? उत्तर, ठीक, जापान या फिर कृष्णा। तो इसमें भी देख लो, समझ में तो आ रहा है अव्यय कौन सा है? ठीक, अव्यय है। देखो अव्यय का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है जो व्यय ना हो, ठीक है, जिनको रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा भर, भर में उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें तुम कारक बदल दो, लिंग बदल दो, कुछ भी बदल दो, भर नहीं बदलेगा, तो भर क्या है? अव्यय है। इसी तरह ठीक, ठीक क्या है? अव्यय है। अगला देखिए, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए, यानी आपको यहाँ बता दिया गया कि अफसोस अव्यय है। अब आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है अफसोस। तो संबोधन सूचक अव्यय है, शोक सूचक अव्यय है, आश्चर्य सूचक अव्यय है या फिर हर्ष सूचक अव्यय है? तो अफसोस यानी दुख जताना, शोक जताना, तो शोक सूचक। अगला देखो, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? यानी धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, सिंपल। चलिए आगे, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, इसमें आपको रेखांकित शब्द को पहचानना है, यानी ये जो ही है ये क्या है? सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या फिर उपसर्ग है? तो ही आपका निपात है, ठीक है। निपात वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए किया जाता है, जैसे यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको बताना है इसमें अव्यय कौन सा यूज हुआ है, संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इसमें आपका कारणवाचक अव्यय यूज हुआ है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर द्विकर्मक क्रिया है? तो इसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में अव्यय कौन सा यूज हुआ है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या फिर कारण बोधक? तो इसमें आपका स्वरूप बोधक अव्यय प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? तो इसमें जो सुंदर है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जवान, बालक और मनुष्य ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में किसी विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से किस में जो ऑप्शंस है सबके सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, रामचरितमानस और गंगा, पहला ही सही निकल गया, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी और गंगा भी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ और अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको इतने क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।